बच्चों में खुदा बसता है, उनकी दुआ भी खुदा सबसे पहले सुनता है। अगर ये बात सच है तो यकीनन बहुत जल्द हमारा देश कोरोना से जीत जाएगा। जैसा कि सब जानते हैं, रमजान का महीना चल रहा है और इसमें मांगी गई हर दुआ जरूर कबूल होती है, और जब ये दुआ नन्हे रोजेदारों ने मांगी हो तो शायद खुदा भी सिर झुका ले। दरअसल कटिहार में नन्हे रोजेदारों ने रमजान में रोजा रखकर अल्लाह ताला से कोरोना से जंग लड़ रहे कोरोना योद्धाओं की सलामती और देश में इस संकट से जल्द दूर करने की दुआ मांगी। साथ ही सभी ने वतन की खुशी, मुल्क के अमन चैन की दुआ मांगी। बच्चों ने दुआ मांगते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा। उन सभी के लिए दुआ कर रहा हूँ, वो सभी अपने अपने कामों में अच्छे हो, उनके उनके कामों में अच्छी आए और वो खुश रहे, वो खुश रहे और अच्छे से रहे। आमीन। हिफाजत से रहे और हम ये बीमारी जल्द से जल्द हमारे देश से खत्म हो जाए। आमीन। और हमारे देश में सुख हो, हमारा देश सही हो, हमारा देश फिर से अमल और शांति से रहे और हमारा देश फिर से वैसे का वैसे हो जाए। आमीन। नन्हे रोजेदार कहते हैं कि कोरोना योद्धा उन लोगों के जान की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, पूरे देश को उनका सम्मान करना चाहिए। हम इसलिए दुआ कर रहे हैं और इबादत मांग रहे हैं कि हमारे देश में जो कोरोना वायरस जैसी ये बीमारी फैली है, ये जल्द से जल्द हमारे देश से चली जाए और जो हमारे डॉक्टर्स, पुलिस सारे हमारे लिए रक्षा, हमारे रक्षा के लिए खड़े रहे हैं, 2400 घंटे वो खड़े रहते हैं, उनके लिए भी हिफाजत, उनकी हिफाजत के लिए भी हम दुआ मांग रहे हैं कि उन्हें भी इस कोरोना वायरस से बचाए रहे अल्लाह, उन्हें भी कोरोना वायरस ना हो और ये जैसी ये बीमारी है जल्द से जल्द हमारे देश से ख़त्म हो जाए। क्या चीज़ के लिए दुआ करें? हम लोग दुआ, वो जो कोरोना वायरस जैसी बीमारी हमारे इस मुल्क में और इस दुनिया में जो फैली है, उससे सुरक्षा के लिए वो जो पुलिस और वो डॉक्टर्स सब जो रोड पर हैं और वो 2400 घंटा हमारे लिए वो हमेशा अपने ज़िंदगी को दाव पर लगाए हुए हैं, हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि उन्हें भी इस कोरोना जैसी बीमारी से वो भी स्वस्थ रहें, उन्हें भी ऐसा कुछ ना हो, वो भी हेल्दी रहे, खुश रहे और वो मतलब हमेशा हमारे लिए कुछ भी होता है तो वो हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, तो हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं, ये रोज़े रख रहे हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और अच्छे। इन नन्हे बच्चों ने भूखे प्यासे रहकर अल्लाह से देश की सलामती के लिए इबादत की है। इन बच्चों के साथ पूरा देश भी कोरोना से मुक्त होने की दुआ कर रहा है। कटिहार से न्यूज़ के लिए श्याम कुमार की रिपोर्ट।